सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे टूटी हुई है, सारी डिमोलिश कर दी गवर्नमेंट ने, वो हर्ट वहाँ सब कुछ। ओह माय गॉड, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब थोड़ी सैड फीलिंग आ रही है, ऐसे घर टूटे हुए देखने को मिल रहे हैं ना, वो भी एक के बाद एक, पूरी लेन ही सारे यहाँ बिल्डिंग्स टूटी हुई है सारी। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, दिस इज हीना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो गाइज, दिस इज माई डे टू इन हम्पी एंड आई होप कि आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं गोवा से हम्पी कैसे आई और मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ एंड हम्पी पहुंचने के और भी कौन से तरीके हैं, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी थी, आई होप कि आपने देखी होगी। एंड दूसरी वीडियो में मैंने कवर किया था कि डे वन पे हम्पी में देखने के लिए कौन सी जगहें हैं, क्या आइटनरी होनी चाहिए। तो अगर जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है बट आप प्लान कर रहे हैं हम्पी का, तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे उस वीडियो के, उनको चेकआउट करना मत भूलना। एंड दिस इज माय डे टू इन हम्पी, तो मैं आपको बताऊंगी कि डे टू पे हम्पी में देखने के लिए कौन कौन सी जगह है। और इनकेस अगर आप सोच रहे हैं कि ये बैकग्राउंड कौन सा है, तो ये उस होमस्टे का ही है जहाँ पे मैंने स्टे करा हुआ है। और अगर इस होमस्टे की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। तो अब करते हैं डे टू की शुरुआत हम्पी में, और आज मैं जाने वाली हूँ हिप्पी हाईलैंड की तरफ। एंड हिप्पी आइलैंड इज द मेन हाईलाइट ऑफ हम्पी, आप सबको पता ही होगा, बट वो डिमोलिश्ड हो गया था 2020 में। सो बेसिकली बहुत इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आप सबके लिए इस वीडियो में कवर करने के लिए, वहाँ पे अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर और कौन सी जगह है नदी के उस पार कवर करने के लिए। आपको मैं थोड़ा मैप भी समझाऊंगी हम्पी का इस वाली वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत इन्फॉर्मेशन है गाइस इस वीडियो में भी। एंड आई होप कि आपको पसंद आएगी, वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, बिल्कुल फ्री है करना, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आए तो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। दिन की शुरुआत होती है एक सुपर डिलीशियस ब्रेकफास्ट के साथ, एंड ऑल थैंक्स टू द होस्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इतना यम्मी, इतना अमेजिंग खाना देने के लिए। ये डोसा बहुत ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ज्यादा यम था। अब ब्रेकफास्ट करते ही मेरे ऑटो वाले भैया मुझे पिकअप करने के लिए आ गए थे। जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ, मैंने हम्पी में एक दिन के लिए पूरा ऑटो हायर किया था, मतलब मेरा पहला जो दिन था, फिर मैंने सेकंड डे, ये मेरे को बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने इन्हीं को दोबारा पूरा हायर कर लिया था पूरे दिन के लिए, सेकेंड डे के लिए भी, कि आज वाली जो मेरी आइटनरी है, जो प्लेसेस मैंने कवर करनी है, यही मेरे को दिखाएंगे। एंड पर डे के इन्होंने मेरे से चार्जेस लिए थे 1000 रुपीज़, तो दो दिन के मेरे को पड़ गए 2000 रुपीज़। तो गाइस अब थोड़ा मैप समझा देती मैं, ये देखिए ये है पूरा हम्पी का मैप, और हम्पी को एक्चुअली ये जो रिवर है ये डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, और जो रिवर की इस तरफ है, ये जो सारे प्लेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये हम डे वन पे कवर कर चुके हैं। जी हाँ, ये सारे डे वन पर ही कवर हो गए थे। अब बचती है रिवर वाली उस साइड, बेसिकली जो हम्पी आइलैंड है वो रिवर के उस पार ही लोकेट करता है, एंड वहाँ पे और भी जगहें हैं देखने के लिए, तो आज हम वही सारी कवर करेंगे। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रिवर, दैट इज तुंगभद्रा रिवर। सो गाइस अभी यहाँ पे ऑटो वाले भैया रुके हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तुंगभद्रा रिवर, और ये जो रिवर है यही बेसिकली हम्पी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। सेकेंड प्लेस विच इज सनापुर लेक, एंड ये हम्पी का मेन हाईलाइट जरूर है, क्योंकि सनापुर लेक में आपको करने को मिलती है यहाँ पे कोरेकल राइड। आपने कोरेकल राइड की पिक्चर्स आई थिंक सो देखी होगी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी, और ये यहाँ की मेन, जिसे कहते हैं कि ये किए बिना अगर आप हम्पी से वापस गए तो आपका ट्रिप इनकम्प्लीट है। तो कोरेकल राइड तो आपको यहाँ करनी ही है। मैं जाती हूँ, पता करती हूँ यहाँ पे कि कितना प्राइस है कोरेकल राइड का। बाकी जितना मैंने पता किया है हम्पी के उस तरफ भी, मतलब मेन हम्पी में भी होती है वहाँ पे भी कोरेकल राइड, बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, 1200 रुपीज़ को चार्ज देते हैं वो, एज पर द लोकल जो मुझे भैया बता रहे हैं। एंड यहाँ पे आई थिंक सो प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए, अगर वो शेयरिंग में हम करते हैं कोरेकल राइड तो उसका प्राइस और कम हो जाता है। लेट्स सी क्या बनता है, जाती हूँ और पता करती हूँ। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोरेकल बोटिंग पॉइंट, पूरी वो दिख गई कोरेकल, दैट इज सो क्यूट। Wow, and see this lake, it is so peaceful, so soothing,
एंड सो क्लीन गाइस, ये इतनी पीसफुल थी कि मुझे कोई और मिला ही नहीं मेरे साथ कोरेकल राइड करने वाला। आई मीन टू से कि मैं यहाँ पे करने वाली अकेली थी। आई थिंक ये दोपहर का टाइम था, तभी यहाँ पे इतने लोग नहीं थे, तो इस पूरी कोरेकल राइड को मुझे अकेले ही बुक करना था। एंड जो चार्जेस के बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि 800 रुपीज़ फॉर द होल कोरेकल। तो बेसिकली इसमें 4 जने आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन मैं अकेली थी तो मुझे अकेले ही करना पड़ा यहाँ पर। ट्रस्ट कीजिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा फन था ये करने में, बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई यहाँ पे, फ़ोटोज़ क्लिक करी, तो टोटली वर्थ था। बट हाँ, थोड़ी सी बारगेनिंग आप ज़रूर कर सकते हैं प्राइजेस को लेके इनसे, ये थोड़े कम में 500 तक भी बड़े आराम से मान सकते हैं। सो गाइज, आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट लेक एंड कोरेकल राइड करने के बाद हार्डली आपको 5 मिनट और आगे आना है, किसी भी लोकल से पूछ लेना। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। बेसिकली यहाँ पे लोकल्स इस जगह को वाटरफॉल जरूर कहते हैं, लेकिन पानी ऊपर से नहीं आता, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। मेरे सामने है ये जगह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है यहाँ से, बहुत सुंदर व्यू है और बहुत ही पीसफुल है, तो इसे तो एक्सप्लोर करना बनता ही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या व्यू है यहाँ पे मेरे सामने, इतना खूबसूरत। नाउ वी आर गोइंग टू हिप्पी आइलैंड, जो डिमोलिश्ड हो गया था। ये स्टोन ब्रिज है। ओके, अभी इधर से स्टार्ट होता है हिप्पी आइलैंड का। ओह माय गॉड, ये सारा तोड़ा हुआ है गाइस, जस्ट लुक एट दिस, ये सारा टूटा हुआ है, सारी बिल्डिंग्स टूटी हुई है। भैया आपको पता है डिमोलिश क्यों किया? मतलब इधर ये फॉरेस्ट लैंड है। हाँ? वो फॉरेस्ट लैंड में कमर्शियल एक्टिविटी नॉट अलाउड है ना, उसके लिए प्राधिकार बोर्डर है इधर कमर्शियल नॉट अलाउड है, उसके लिए उल्लंघन कर। तो फिर पहले नहीं था ये क्या? लाइक तो पहले उधर रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस का बनाएगा। हाँ? मतलब वो फॉरेस्ट लैंड है ना, फॉरेस्ट लैंड है, इसलिए डिमोलिश कर दिया। अच्छा, तो उनका क्या हुआ जिनकी सारी प्रॉपर्टीज थी, कैफेज थे? मैंने सुना है कि वो शिफ्ट हो गए अब कहीं 2 किलोमीटर सनापुर लेक तक। सनापुर का लेक का वो जंगल, जंगली बोलता है ना। हाँ हाँ, वो जंगली में है। अच्छा वो, अच्छा ओके, वो सब लोग का उसको ओन प्रॉपर्टी में बनाएगा वो सब लोग, अभी गवर्नमेंट का वो सब लोग बंद कर। तो फोटो से ही भैया मुझे पूरी सैर करा रहे हैं हिप्पी आइलैंड की, वो कहते कि ऐसे ही देख सकते हो आप, एंड यहाँ पे देखने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, गवर्नमेंट ने डिमोलिश कर दिया है, क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड थी जो भैया मुझे बता रहे हैं यहाँ की लोकल ही है। बट अच्छा नहीं लग रहा, मतलब थोड़ी सैड फीलिंग आ रही है, ऐसे घर टूटे हुए देखने को मिल रहे हैं ना, वो भी एक के बाद एक, पूरे लेन ही सारे यहाँ बिल्डिंग्स टूटी हुई है सारी, मतलब अच्छी फील नहीं आ रही है। गाइस, बस इसी तरह आप यहाँ पर आकर एक बार विजिट कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर देखने का मन है तो आप देख सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ऐसी। बट यहाँ पर आपको कोई फूड सर्विसेज या फिर कोई, मतलब कोई भी आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सर्विस नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बस आप। ओके गाइस, सो नाउ वी आर एट द लास्ट लोकेशन ऑफ द डे,
एंड ये है लॉर्ड हनुमान टेम्पल, इसको मंकी हिल के नाम से भी जानते हैं। एंड मेरे सामने है बहुत सारे स्टेयर्स क्लाइंब करने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक वही तरीका है जिसके थ्रू ऊपर पहुंचा जा सकता है। एंड ये प्लेस ऑल्सो लाइक इट इज फेमस फॉर सनसेट, ऊपर से बहुत प्यारा सनसेट दिखता है। तो यहाँ पे बहुत सारे काम एक ही साथ हो जाएंगे कि आप यहाँ पे भगवान के दर्शन भी कर लोगे एंड आप ऊपर से सनसेट भी एंजॉय कर सकते हो। मैंने ले लिया है प्रसाद यहाँ पे, 50 रुपीज़ का मुझे प्रसाद मिला है। अब चलते हैं बिना किसी देरी के ऊपर। वो ऊपर देख रहे हो वो पॉइंट वहाँ जाना है, अभी तो शुरुआत है। ये सारी स्टेयर्स चढ़ चढ़ के गाइस, स्टेयर्स की शुरुआत हो चुकी है एंड हम चढ़ चुके हैं पहली सीढ़ी। पूरी वैष्णो देवी वाली फील आ रही है। गाइस मंकीज परेशान कर रही है, अंदर के आना है यहाँ पे। एंड यहाँ से व्यूज देखो, अभी हाफ ही स्टेयर्स कुछ क्लाइम करी है, बस लुक एट द व्यू, इट इज ब्यूटीफुल। यस गाइस वी रीच्ड एट द टॉप, वहाँ पे स्टेयर्स खत्म हो गया एंड ओह माय गॉड बहुत अच्छी हवा चल रही है। सो गाइस अंदर से दर्शन हो गए हैं, ओह एंड मेरा प्रसाद ले लिया है मंकीज ने। जैसे दर्शन करके बाहर आई तो भैया के हाथ में मेरा प्रसाद था एंड मैं दिखाती हूँ कि वो मंकी ने ले लिया है। ये मेरा प्रसाद खा रहे हैं, शाबाश। सो गाइस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हियर, अपने सामान का, अपनी बिलोंगिंग्स का। मैं भी बड़े डर डर के यहाँ पे शूट करी थोड़ा सा। एनीवे हमने अंदर दर्शन कर लिए, अब यहाँ पे हम सनसेट का वेट करेंगे एंड आपको नज़ारे दिखा देती हूँ क्योंकि ऊपर से कितना खूबसूरत लगता है हम भी। एंड यहाँ से इतनी ठंडी हवा चल रही है कि बस ये जो धूप है ना वो भी पूरी गर्मी सारी चली गई, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। गाइस ये जो आप बंदे देख रहे हो यहाँ पे दर्शन करने के बाद, आपको मैं लेके जाती हूँ अब एक और पॉइंट पे। यहाँ ऊपर को जाना है जहाँ से बेसिकली मैंने आपको कहा था कि यहाँ से सनसेट दिखेगा, दैट इज द टेम्पल। यहाँ अब हम जाएंगे सनसेट देखने के लिए। मैंने अपनी सीट ले ली है, यहाँ पे मंकीस है, लोग हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे हमारा सनसेट हो रहा है एंड अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड चाहे धूप भी है बट फिर भी शांति सी ऐसे पीस सी लग रही है, मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है। गाइस देखो लोग कहाँ कहाँ तक गए हैं, उधर से भी उधर पीछे तक, मतलब सिर्फ पत्थर है रॉकी ये सारे माउंटेन्स का काइंड ऑफ। अब कहीं भी जाऊँ एंड हमारा यहाँ पे सो 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 गॉर्जियस। गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड इसी के साथ हमारा हम्पी ट्रिप ख़त्म होता है। मेरे 2 दिन हम्पी में बहुत ही ज़्यादा लाइक ब्यूटीफुल बीते हैं एंड हम्पी डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग जगह है। ये बहुत से लोगों को स्पेशली नॉर्थ साइड के लोगों को तो हम्पी एक्सप्लोर करना चाहिए एंड मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है हम्पी को पूरे अच्छे से कवर करने में, इन्फॉर्मेशन सारे डिटेल में कवर करने में। मैं एक सेटिंग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इसके ऊपर जिसमें अगर जो इन्फॉर्मेशन रह गई हो उस वीडियो में कवर हो जाएगी। बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर ये तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मैं फिर से जा रही हूँ गोवा, अभी मेरा वहाँ पर स्टे ख़त्म नहीं हुआ है, फिर आप देखेंगे गोवा से बहुत ही प्यारा प्यारा कंटेंट। बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए एंड वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।